सबसे पहले ये पीछे का ढक्कन खोल दीजिए, ये चार स्क्रू खोल के पीछे का ढक्कन खोल दीजिए, फिर ये एनकोडर का ये रबर है वो ऐसे निकल जाएगा, उसको निकाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये तीन स्क्रू है वो खोल दीजिए वन बाय वन करके। फिर ये निकाल दीजिए, यहाँ पे फिर से तीन स्क्रू है 1 2 3। ये स्क्रू हमें खोलने हैं लेकिन बड़े आराम से, अगर यहाँ पे कोई भी गलती हुई तो पूरा एनकोडर ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमें आराम से ये तीनों स्क्रू खोलने हैं, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी। फिर हमें ये ओपन करना है, यहाँ पे डिस्क होती है उसको क्लीन करने के लिए, लेकिन ये थोड़ा ही खोलना है, अगर ज़्यादा खोलोगे तो यहाँ से ये टूट जाएगा और पूरा एनकोडर है वो ख़राब हो जाएगा, इसे कुछ ना हो उस तरह से इसे धीरे से ओपन करना है हमें, तो बहुत ज़्यादा करोगे तो ये टूट जाएगा और एनकोडर ख़राब हो जाएगा। अब हमें ये डिस्क क्लीन करनी है, इस तरह से आपको क्लीन करना रहेगा ये डिस्क है वो। फिर उठी जगह इस तरह से इसमें डस्टिंग होगी तो क्लीन हो जाएगी। क्लीन करने के बाद वापस से ये सभी तीनों स्क्रू लगा देने हैं उसकी जगह पे, ज़्यादा टाइट नहीं करना और ज़्यादा टाइट नहीं करना, बहुत ज़्यादा टाइट करने जाओगे और हाथ से टाइट करना है, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने जाओगे तो ये यहाँ पे ये टूट जाएगा और पूरा एनकोडर ख़राब हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना हमें। उसके बाद वापस से सभी कुछ लगा देना है।